हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि किस प्रकार से हम टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं, रेडियो बटन कैसे बना सकते हैं, सबस्क्रिप्ट कैसे कर सकते हैं और सुपरस्क्रिप्ट कैसे कर सकते हैं, और साथ ही साथ पैराग्राफ टैग का यूज कैसे कर सकते हैं। सारी चीजें एक ही वीडियो में हम देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले नोट पैड को मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने नोट पैड ओपन किया, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे नोट पैड आ रहा है, यहाँ पे क्लिक किया हमने तो ये यहाँ पे इस तरह से आ गया। अब यहाँ पर हमें कोडिंग करनी है, तो सबसे पहले हम HTML लिखते हैं। शुरुआत HTML से होती है, फिर हेड टैग को हम मेंशन कर देते हैं, फिर हम टाइटल टैग को भी मेंशन कर देते हैं। आपका एक आप अगर चाहते हैं हेड और टाइटल टैग को नहीं डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो आप हेड और टाइटल को हटा भी सकते हैं। मैंने यहां लिख दिया है, और टाइटल है हमारा यूज ऑफ डिफरेंट टैग्स, यूज ऑफ डिफरेंट टैग्स इन HTML। ओके, अब यहां से इसको कर दिया क्लोज टाइटल को, ठीक है, और हेड को भी कर देते हैं क्लोज। ओके, इतना करने के बाद नीचे आएंगे तो यहां पर अब हमें बॉडी टैग लगाना है, ठीक है। हम यहां पे कलर कौन सा लगा रहे हैं, यहां पे मैं कलर रख देता हूं व्हीट, WHEAT, यानी गेहूं के रंग का कलर ये होगा, ठीक है। अब यहां पर नीचे जब आएंगे तो यहां पर अब हमें तो सारी चीजें करनी है। जैसे सपोज कीजिए, सबसे पहले हम यहाँ पे H1 टैग लगा लेते हैं, यानी हेडिंग टैग की भी बात करेंगे। यहाँ पे H1 मैंने लगाया है, और यहाँ पे हमें लिखना है A² + B²। तो आइए देखते हैं A² + B² लिखिए। देखिए A, जब स्क्वायर की बात आती है तो हम ऊपर लिखते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, प्लस B² ये लिख दिया मैंने, बी और ये स्क्वायर, A² + B² ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, A2 + B2 कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे A, ये नीचे लिखा जाएगा 2 + B2, समझ गए। तो ये हमें करना है, ठीक है, पहला काम, सबसे पहला काम यही हमें करना है। तो आइए चलिए करते हैं इसको, नोटपैड को ओपन करते हैं। तो यहां पे मैंने H1 लिखा है, और यहां पे मैं लिखूंगा A, ठीक है, क्योंकि A² लिखना है हमें। अब यहां पे लिखा मैंने स्क्वायर लिखना है, तो यहां पे क्या करूंगा, लिखूंगा सुपर, SUP, ठीक है। क्या लिखना है, स्क्वायर कैसे लिखा जाता है, 2 होता है ना स्क्वायर में, तो यहां पे 2 लिख दिया। अब यहां पे सुपर स्क्रिप्ट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। क्लोज करने के बाद अब यहां पे +B² लिखना है, तो +B नॉर्मल पोजीशन में होना चाहिए, तो मैंने यहां +B लिख दिया। अब स्क्वायर जो है ऊपर होना चाहिए, तो SUP लगाया हमने और स्क्वायर को ऊपर लिख दिया, ठीक है, और इसको क्लोज कर दिया, यानी SUP को क्लोज कर दिया यहां से, ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। A² + B² = C² लिखना है, ठीक है। ये कोई फॉर्मूला मैं नहीं बता रहा, बल्कि आपको ये बता रहा हूं कि ये लिखेंगे कैसे, ठीक है। अगर कोई ऐसी चीज लिखने को दे दी जाए तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, वो तरीका मैं बता रहा हूं। तो फिर यहां SUP लिखना है, ठीक है, और यहां 2 करेंगे, और यहां पर सुपर को क्लोज करेंगे, ठीक है, ये हमने कर दिया। और यहां पर मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा काम और, यहां पर मैं ब्रेक टैग लगाता हूं, ताकि ये ब्रेक हो जाए, लाइन चेंज हो जाए, ठीक है। ब्रेक टैग लगाने के बाद क्या करना है, यहां पर हम H2 टैग लगाएंगे, ठीक है, H2 लगाया हमने, ठीक है, और H2 के बाद इसमें हमें देना क्या है, इसमें मैं कोई पैराग्राफ लिखने वाला हूं। हेलो लर्न हाउ टू यूज कलर इन HTML, यही लिख दिया हमने, और इसको यहां से क्लोज करेंगे। तो क्लोज कैसे करेंगे, H2 लिखा है हमने, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, और यहां से करेंगे हम H2 को क्लोज। अच्छा, अब हम इसमें स्पेशल क्या करना चाहते हैं, स्पेशल ये करना चाहते हैं कि यहां पर हम लगाएंगे पैराग्राफ स्टाइल, तो यहां पर लगा दिया हमने पैराग्राफ स्टाइल इज इक्वल टू कलर, ठीक है, यहां पर लगा ब्लू, BLUE, तो यहां ब्लू लगा दिया हमने, आप देख सकते हैं यहां पर लगाया हमने ब्लू, और इसके बाद इसको करेंगे क्लोज। और यहां पर आकर के यहां पे सेमी कोलन लगाना है आपको, सेमी कोलन, ये देखिए मैंने सेमी कोलन लगाया है। यहां पे लिखता हूं फॉन्ट साइज इज इक्वल टू नहीं लगाना हमें, सिर्फ फॉन्ट साइज, ठीक है, और यहां पे कोलन देना है 70 पिक्सल। ओके, इसके बाद
इसको क्लोज करेंगे और यहां पर पैराग्राफ स्टाइल को भी क्लोज कर देंगे, यानी पैराग्राफ टैग को भी क्लोज करेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं यहां तक मैंने क्लोज कर दिया। एक बार नीचे बॉडी टैग को क्लोज करते हैं, ठीक है, और बॉडी टैग को क्लोज करके यहां से एचटीएमएल को भी क्लोज करते हैं। पहले इसका आउटपुट देखते हैं, आउटपुट क्या आ रहा है हमारा, ठीक है। अगर आउटपुट सही रहा तो इसमें आगे हम कंटिन्यू करेंगे। यहां मैं लिखता हूं color.html, ये नाम दे दिया, .html लगाना कंपलसरी है, सो आप भी जरूर लगाएं, नहीं तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। यहां पे डबल क्लिक करेंगे, देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम ठीक प्रकार से चल रहा है या नहीं, अगर कोई गड़बड़ी होगी तो उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए ये प्रोग्राम हमारा सही चल रहा है, यहां पे कलरफुल ये लिख करके आ चुका है और यहां पे देखिए सुपरस्क्रिप्ट में भी ये आ चुका है, ठीक है। लेकिन एक चीज पे मैं ब्रेक टैग लगाता हूं, ठीक है। अगर आप सिंपली पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो यहां पे डायरेक्टली पैराग्राफ लगाइए और यहां पे कुछ भी लिख दीजिए, जैसे दिस इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू, और यहां पे पैराग्राफ टैग को क्लोज करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको सेव करेंगे। अब चलिए देखते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। यहां पे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहां पे देख सकते हैं जो मैंने लिखा है वो एक पैराग्राफ में आ रहा है। अगर हम पैराग्राफ टैग दोबारा से लेंगे तो वो दूसरे पैराग्राफ में आएगा, फिर तीसरे पैराग्राफ में आएगा, ऐसे करके ये चलेगा। तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, यहां पे देखिए डबल इनवर्टेड कॉमा हमने दे दिया, इसको सिंगल ही रहेगा ये, इसको सेव करता हूं। चलिए अब आगे हमें क्या करना है, आगे हमें सबस्क्रिप्ट देना है। तो सबस्क्रिप्ट के लिए हम क्या लगाते हैं, सबस्क्रिप्ट के लिए हम एस यू बी यूज करते हैं, ठीक है। अब इसी चीज को हम ए टू प्लस बी टू के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि टू नीचे रहेगा, तो ए टू प्लस, अब यहां पे एस यू बी क्लोज होगा, ठीक है, प्लस नॉर्मल फॉर्म में रहेगा। अब यहां पे लिखना है ए टू प्लस बी टू, तो बी और टू, टू जो है सबस्क्रिप्ट में रहेगा, तो यहां पे सब लिखा हमने और यहां पे टू कर दिया, ठीक है। अब इसको यहां से करेंगे क्लोज, तो ये देख सकते हैं आप कि ये इस तरह से हमने लिखा है। अब इसको सेव करते हैं, आइए इसका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट देखने के पहले एक काम और करते हैं, यहां पे एच टू टैग लगा लेते हैं हम, ठीक है। ये सारा कुछ एच टू के अंदर रहेगा, यहां सब स्क्रिप्ट को क्लोज भी करना है और फिर यहां एच टू को क्लोज कर देंगे, ठीक है। इतना कर लिया हमने, यहां से इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसको रन करवाते हैं, ये हमारा प्रोग्राम है। तो आप देख सकते हैं ए टू प्लस बी टू किस तरह से लिख करके आ रहा है, इसको हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने कोड की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले पे हमने ब्लू कलर अप्लाई किया है, ये पैराग्राफ स्टाइल इज इक्वल टू कलर ब्लू, इस पे हमने ब्लू कलर अप्लाई किया है। मैं अभी क्या करूंगा, अगला जो पैराग्राफ मैं लिखने वाला हूं उसमें मैं ब्लू कलर नहीं अप्लाई करूंगा, उसमें कोई और कलर अप्लाई करूंगा, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए यहां पे कलर ब्लू लिखा है मैंने, ठीक है, और फॉन्ट की साइज भी हम छोटी करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, छोटी करेंगे साइज, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या किया, यहां पे मैं कलर करता हूं ठीक है, और अब साइज जो है फॉन्ट की छोटी कर देंगे 40 पिक्सल, ठीक है। इतना करने के बाद यहां से सेव कर देंगे इसको और अब इसका आउटपुट हम देखने वाले हैं कि कैसा आउटपुट आ रहा है। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर में आ रहा है, ठीक है, और साइज इसके मुकाबले ये वाली साइज छोटी है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आ रही होगी कि इसको कैसे करना है, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेडियो बटन बनाने का। तो रेडियो बटन हम कैसे बनाए, जैसे सपोज कीजिए कि मेल और फीमेल, ठीक है, सपोज कीजिए हम यहां पे लिखते हैं जेंडर, ठीक है, जेंडर लिखा हमने और यहां पे कोलन लगा दिया। कोलन लगाने के बाद क्या करना है, कोलन लगाने के बाद हमको यहां पे इनपुट टाइप टैग लगाना है, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं इनपुट टाइप। मैं आपको इनपुट टाइप टैग के बारे में पहले भी बता चुका हूं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू, ठीक है, क्या देंगे यहां पे रेडियो, बटन हमारा कौन सा है, रेडियो बटन है, तो रेडियो लिख दिया हमने। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद नेम देना है, तो नेम इज इक्वल टू क्या करेंगे, जेंडर, चूंकि हमने जेंडर लिया है तो यहां पर जेंडर कर देंगे, ठीक है। जेंडर करने के बाद इसको क्लोज करेंगे और कौन सा जेंडर देना है, जैसे मेल देना है तो एम ए एल ई मेल दे दिया हमने, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहां पे वापस से इनपुट टाइप, अगर इसी लाइन में लिखना चाहते हैं तो वापस से इसी में इनपुट टाइप लगाइए, जैसे सपोज कीजिए
मैं यहाँ पे इनपुट टाइप लिखता हूँ, इनपुट टाइप फीमेल लिख देंगे हम, फीमेल ओके, और यहाँ पर लगा देंगे हम ब्रेक टैग, ठीक है, या ब्रेक टैग नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है, और यहाँ से इसको करना है सेव, ठीक है, और चलिए इसको अब रन करवाते हैं, देखते हैं अब क्या आता है आउटपुट हमारा। तो यहाँ आप देख सकते हैं नीचे जेंडर में मेल और फीमेल आ रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये जेंडर ऊपर रहे और ये मेल फीमेल नीचे दिखाई पड़े, या आप मेल फीमेल को लाइन वाइज वन बाई वन देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको बस कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको यहाँ पे ब्रेक टैग का प्रयोग कर देना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं बी आर लगाया हमने। अगर चाहते हैं और भी ज्यादा गैप हो तो मैं अभी आपको बताता हूँ क्या करना है। पहले इसका आउटपुट देखते हैं, यहाँ से आउटपुट देख सकते हैं आप, तो ये फीमेल नीचे आ चुका है। जेंडर को ऊपर करना चाहते हैं तो यहाँ पे जेंडर भी ऊपर हो जाएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ ब्रेक टैग का यूज करना है, ये लगाया हमने ब्रेक टैग, ठीक है, और सेव किया इसको, और जेंडर जो है ऊपर हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं आप ये मेल फीमेल नीचे हो गया वन बाई वन के फॉर्म में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ रही होगी कि इसको कैसे करना है, ठीक है। आइए चेकबॉक्स भी बना लेते हैं इसमें, जिस तरह से हमने रेडियो बटन क्रिएट किया है उसी तरह से इनपुट टाइप टैग लगा करके हम चेकबॉक्स बना सकते हैं। इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेकबॉक्स, सिर्फ आपको यही लिखना है चेक बॉक्स, ठीक है, और नेम इज इक्वल टू लैंग्वेज एल ए एन जी, ठीक है। तो नेम इज इक्वल टू लैंग कर दिया हमने, और इसके बाद इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। क्लोज करने के बाद यहां पर इनपुट टाइप जो हमने लिया है, ठीक है, यहां पर, ठीक है, यहां पर हमें लिखना है लैंग्वेज यू नोन, ठीक है, लैंग्वेज यू नो। हम चाहते हैं कि ये लाइन चेंज हो जाए तो यहाँ पे ब्रेक टैग लगा देंगे, ये लाइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब चेकबॉक्स हमने लगा दिया है, ठीक है, इजिली अब इसमें काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर छोटा सा एक काम और, हिंदी लिखना है हमको एच आई एन डी आई, ठीक है, और यहां पर इसी को मैं करता हूं सेलेक्ट, और इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा यहां पे, और यहां पे हिंदी को बना दूंगा इंग्लिश। तो आप देख पाएंगे कि किस तरह से चेकबॉक्स हमारा काम कर रहा है, ठीक है, इंग्लिश, ठीक है। इसको सेव करता हूं मैं, और अब इसको रन करवाने की बारी है, तो चलिए रन करवा लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप चेकबॉक्स भी आ चुका है, और यहाँ पे देखिए लैंग्वेज, सॉरी यू की स्पेलिंग गलत हो गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंग्वेज यू वाई ओ यू होता है, ठीक है। और एक छोटा सा काम और, यहाँ पे ब्रेक टैग लगा देंगे, ठीक है, तो ये अब अलग लाइन में डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको जरूर समझ में आ रही होगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है, दोनों जानते हैं तो दोनों पर टिक कर सकते हैं, एक जानते हैं तो एक पर टिक कीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आएगा, और इस वीडियो में कई चीजें मैंने बताई हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।